सावंत जी साहब। अच्छा मैं चलता हूँ, वो मेहता मिल रहा है उसका एनसी लिखवा लेना। ठीक है सर। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, वो मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। कौन, आप कहाँ से बोल रही हैं? बहुत ही मोटा सा आदमी है और फॉरेन बंगला नंबर 32 कटर रोड पे। बचाओ। हेलो हेलो सावंत, जीप निकालो जल्दी। जी साहब। चल रहा है। हैंड्स अप। कोई चलाकी नहीं। सब सब मैंने कुछ नहीं किया। सब 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 मैं तो पड़ोस में रहता हूं। मैं एक एस्टेट एजेंट हूं, दिनेश पटेल। सब मैंने अपनी खिड़की से उसको देखा इधर और भाग के आया इधर। किसे देखा? सब खून को। खूनी? मोटा आदमी था, बहुत मोटा आदमी था सब। मोटा कौन हो सकता है? His Royal Highness Prince Rudy Singh Dhanora। कुंवर साहब की यह तस्वीर 2 साल पुरानी है, जब उनका वजन 250 किलो था। गुड, 2 साल में तो काफी वजन कम हो गया होगा। अब कुंवर साहब का वजन 345 किलो है। कुंवर साहब के ऊपर अपनी एक्स प्रेमिका शर्मिला राठौर के घर जाकर उन्हें कत्ल करने का झूठा आरोप है। मिस्टर मानेकशॉ, क्यों लगता है आपको कि इल्जाम झूठा है? क्योंकि अपने वजन की वजह से कुंवर साहब के लिए चलना तो दूर, उठ पाना भी मुमकिन नहीं। पिछले 9 सालों से वो अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकले। 9 साल? या मिस्टर केडी, 9 साल, 9 years। वाओ। प्रिंस रूडी मेरे खास पेशेंट हैं। उनकी मेडिकल कंडीशन के कारण हमने पुलिस से परमिशन लिया कि उन्हें यहीं रखा जाए, हाउस अरेस्ट में। उन्हें जेल ना ले जाया जाए जब तक उन पे आरोप साबित नहीं हो पाता। वो कभी नहीं होने वाला है। ऑफ कोर्स। 350 kg वजन लेके वो भागेंगे भी कहां? अच्छा बताइए डॉक्टर घोष, प्रिंस रूडी वाकई नहीं चल पाते? जी वो बिल्कुल नहीं चल सकते। क्या केडी, भरोसा नहीं है तुझे? और कुंवर जी को आप प्लीज नाम से नहीं बुलाएंगे, आप उन्हें हिजाइनस, प्रिंस या कुंवर जी कहेंगे। और केडी, कुंवर जी के बर्ताव के लिए मैं एडवांस में आपसे सॉरी बोलता हूँ। आइए। ये चिकन तंदूरी है या चूजा? ना नमक ना मसाला। हॉस्पिटल जैसा खाना बनाना है तो वहीं जाके काम करो। गेट आउट, दफा हो जाओ यहाँ से। सॉरी सॉरी कुंवर साहब, सॉरी। आइए। मोटा सांड, पता नहीं मरता क्यों नहीं।
एडवोकेट केडी पाठक, पधारिए महाराज। माफी चाहता हूं, अगर मेरा चौथा लंच ब्रेक न चल रहा होता तो आपसे उठकर हाथ मिलाता। इसका मतलब आप उठ सकते हैं? ये नहीं उठ सकते, मजाक कर रहे हैं। अब तो उसी दिन उठूंगा जिस दिन इस दुनिया से उठ जाऊंगा। बहुत जोवियल है आप। I like a sense of humor, Prince Rudy. लेकिन फिलहाल आप पर आपकी एक्स गर्लफ्रेंड शर्मिला राठौड़ के कत्ल का इल्जाम है, इसके बारे में बात कर लें। अच्छा हुआ मर गई वो। ग्यारह साल पहले मैं उसके प्यार में पागल था, लेकिन उसने मुझसे कहा कि अगर मैं मोटे से पतला हो जाऊं तो मुझसे शादी करेगी। जिंदगी में पहली बार प्यार में आकर किसी के लिए मैंने अपना वजन 200 से 80 किलो किया, सिर्फ 80 किलो। मैंने अपना वादा पूरा किया, पर उसने नहीं, उसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया। उस ठुकराए हुए प्यार के गम में मैंने खाना शुरू किया, बस खाता गया खाता गया, और आज मेरी ये हालत हो गई, सब उस डायन की वजह से। खाली जी। क्या है? कुंवर साहब, दवाई खा लीजिए। तो खिलाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। डॉक्टर घोष, मतलब प्रिंस रूडी जरा सा भी नहीं उठ सकते। अभी 350 किलो उठाया है आपने? नहीं मिस्टर मानेकशॉ, कभी कोशिश भी नहीं की, और अगर इतनी कोशिशों के बाद प्रिंस रूडी अपना 350 किलो का वजन नहीं उठा पाते, 13 किलोमीटर दूर जाकर शर्मिला राठौड़ को मारना इज इम्पॉसिबल। आई थिंक वी हैव अ गुड केस रूडी। सॉरी प्रिंस रूडी। सबसे पहले मैं अदालत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अदालत ने मेरे मुवक्किल प्रिंस रूडी सिंह धनावरा को उनके मेडिकल कंडीशन के कारण अदालत में ना बुलाकर घर से ये केस अटेंड करने की इजाजत दी। ये सब तमाशा है योर ऑनर, सरासर ढोंग। जो इंसान अपने घर से 13 किलोमीटर दूर जाके मर्डर कर सकता है, क्या वो इस अदालत के कटघरे में नहीं आ सकता? प्रोसिक्यूटर साहिबा, अगर मेरे मुवक्किल चल पाते तो मेरे पास लड़ने को केस ही नहीं होता। योर ऑनर, प्रिंस रूडी ओबेसिटी के मरीज है। उनका वजन इतना है कि 9 साल से वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। ऐसा आदमी 13 किलोमीटर का फासला तय करके खून कैसे कर सकता है? आपके एक सवाल के आगे मेरे 10 सवाल हैं, जिनमें से कुछ का जवाब देंगे इंस्पेक्टर तवे। योर ऑनर, 15 मार्च की रात करीब 1:30 बजे जब मैं पुलिस स्टेशन से निकल रहा था तो शर्मिला राठौड़ जी का मुझे फोन आया। हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन, वो मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा वो। कौन? आप कहां से बोल रही हैं? एक बहुत ही मोटा सा आदमी है, आप फौरन बंगलो नंबर 32 कटर रोड पे बचाओ। हेलो हेलो, उन्होंने साफ कहा था एक बहुत मोटा आदमी। जी बिल्कुल साफ। दवे, अगर वो मोटा आदमी प्रिंस रूडी सिंह था तो शर्मिला ने उसका नाम क्यों नहीं लिया फोन पर, जबकि वो उसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी। घबराहट में अक्सर इंसान डिटेल बताना भूल जाते हैं केडी। ओके, अग्रीड। एक और बात, शर्मिला पर जानलेवा हमला हो रहा था तो उन्हें इतना समय कैसे मिल गया कि वो फोन उठाए, नंबर डायल करे, अपना पता बताए, कंप्लेंट लिखवाए? आओ। ये मत भूलो केडी कि वो एक बहुत ही मोटा आदमी था, उसे डॉज करना आसान था,
इसीलिए रूडी के पकड़ने तक शर्मिला को फोन करने का टाइम मिला। योर ऑनर, अगर इतना समय था शर्मिला जी के पास तो वो वहां से भाग क्यों नहीं गई? केडी, चाहे तुम कुछ भी कह लो, रूडी सिंह ही कातिल है। योर ऑनर, मौका ये वारदात से बरामद ये बैट जिस पर रूडी सिंह की उंगलियों के निशान है, और इतना ही नहीं, जमीन पर उनके जूतों के निशान साइज 12। थैंक यू इंस्पेक्टर दवे, आपकी ये गवाही प्रोसिक्यूशन के बहुत काम आएगी। योर ऑनर, मेरा अगला गवाह जो इस केस के स्टार विटनेस हैं, जिन्होंने खूनी को अपनी आंखों से देखा, शर्मिला राठौड़ के घर के सामने वाले घर में रहने वाले स्टेट एजेंट दिनेश पटेल। सर, रात के 1:30 बजे थे, मैं सो रहा था, मेरे बेडरूम के सामने ही शर्मिला जी की खिड़की है। अचानक मैंने शर्मिला जी की चीख सुनी और फिर फायर अलार्म की आवाज, और उठकर मैंने खिड़की से देखा तो सर, मुझे लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं वहां पहुंचा और वहां देखा, पूरा सामान बिखरा हुआ था और कुछ ही दूरी पर जमीन पर शर्मिला जी की लाश पड़ी थी। और फिर जलने की बू आई, मैंने किचन की ओर देखा तो वहां से धुआं आ रहा था, और फिर मैं भागकर किचन में गया और वहां कोई नहीं मिला, और फिर पुलिस आ गई। सर, इस पूरी अदालत में उस साइज का इंसान है कोई? नहीं, सिवाय उस आदमी के। मैंने उसी को देखा सीलिंग पे लगे फायर अलार्म को बंद करते हुए। झूठा। मिस्टर रूडी सिंह, माना आप अदालत में नहीं है, लेकिन आपका रवैया ऐसा ही होना चाहिए जैसे आप यहां मौजूद हैं। कार्रवाई के दौरान किसी भी किस्म का जलपान मना है। डू यू अंडरस्टैंड? एक बहुत ही मोटा आदमी, इंस्पेक्टर दवे ने सुना, मिस्टर पटेल ने देखा, अब आपका क्या कहना है मिस्टर केडी पाठक? बट ऑफ कोर्स मिस्टर पटेल, जब आपने अपनी खिड़की से शर्मिला जी के खिड़की के उस पार उस मोटे आदमी को देखा, तो आपकी खिड़की पर या शर्मिला जी के खिड़की पर कुछ पर्दा या कोई वेनिशियन ब्लाइंड वगैरह कुछ लगा हुआ था? जी हाँ सर, शर्मिला जी की खिड़की पर एक पर्दा था। शर्मिला जी की खिड़की पर एक पर्दा था? जी हाँ। यानी कि आपने उस आदमी को नहीं देखा, महज उसकी परछाई को देखा, राइट? जी, लेकिन लेकिन नहीं नहीं, अभी मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। एक मिनट, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मिस्टर पटेल, इस रुमाल के पीछे कितनी उंगलियां हैं मेरी? तीन सर। तीन उंगलियां हैं? जी सर। Are you sure? जी हाँ। मिस्टर पटेल, अगर 2 फुट की दूरी से रुमाल के पीछे आपको उंगलियां जानने में तकलीफ होती है, तो क्या अदालत का यह मानना ठीक रहेगा कि 40 फुट की दूरी से, वो भी रात के अंधेरे में, आपको परछाई पहचानने में गलती हुई हो, गलत फहमी हुई हो? सर, भले ही मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसका मोटापा तो देखा सर। इतना बड़ा पेट, इतना मोटा आदमी और कौन हो सकता है? ये तो तय करेंगे अदालत में। मिस्टर पटेल, एक बात बताइए, मैंने सुना है कि आपने शर्मिला जी के बंगले के लिए 4 करोड़ रुपए उनको ऑफर किए थे, क्या ये सही है? जी हाँ सर, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। अब तो आपके लिए वो बंगला खरीदना बहुत ही आसान हो गया मिस्टर पटेल। Anyway, let's come back to the point, which is कि आपने महज पर्दे के पीछे एक परछाई देखी, आपने मेरे मुवक्किल को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आपके मुवक्किल चल नहीं सकते,
एग्जैक्टली योर ऑनर। आइए इस फैक्ट के बारे में उन्हीं के स्टाफ से पूछते हैं। सबसे पहले मिस्टर रूडी सिंह के एडीसी मिस्टर साइरस मानिकशॉ। इजाजत। मिस्टर मानिकशॉ, कोलाबा शू स्टोर का ये बिल, साइज 12 के जॉगिंग जूते 4 फरवरी को खरीदे गए, कीमत 3,670 रुपए, क्या ये जूते आपने खरीदे? जी जी हाँ। आपके पैर का साइज क्या है? 9। ये शूज एक्चुअली मैंने अपने भाई के लिए खरीदे थे, उसके पैर का साइज 12 है। तो ये खून आपके भाई ने किया मिस्टर मानिकशॉ, क्योंकि इन जूतों के निशान शर्मिला के घर पर मिले। नहीं नहीं, मेरा भाई खूनी नहीं है। इनफैक्ट ये शूज मैंने कुंवर साहब के लिए जो इंसान 9 साल से चलना तो दूर अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकला, उसके लिए जॉगिंग शूज, और उस कमरे में कोई ट्रेडमिल भी नहीं। पता नहीं, कुंवर साहब ने मंगाए और मैं ले आया। थैंक यू योर ऑनर। मेरी अगली गवाह रूडी सिंह की नर्स मिस बी बजाज। ये बी बजाज क्या है? जी मेरा नाम बसंती बजाज। आप रूडी सिंह की राउंड द क्लॉक नर्स हैं? जी हाँ, दरअसल उनको मेरी कभी भी जरूरत पड़ सकती है, बीपी दवाइयाँ इंजेक्शन वगैरह। तो कत्ल की शाम 6 बजे से आप कहाँ गायब थी? वो सर ने मुझे छुट्टी दी थी, इसलिए मैं हाफ डे लेके चली गई थी। उन्होंने आपको छुट्टी दी? सर को कहीं बाहर काम था। सर को कुछ काम था, इसलिए उन्होंने छुट्टी दी हमें। कुछ काम करना था, किसी का खून करना था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सस्टेंड। योर ऑनर, मेरा बस यही पॉइंट है कि कोई अपने स्टाफ को तभी छुट्टी देता है जब वो घर पर ना। क्यों बसंती जी? योर ऑनर, मेरी अगली गवाह रूडी सिंह की कुक कम हाउसकीपर मिस ज्योति कार्निक। इजाजत। आप रूडी सिंह के लिए खाना बनाती हैं? जी, वो हर 1.5 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाते हैं, इसीलिए मुझे उनको खाने को देना पड़ता है। कत्ल की रात आपने रूडी सिंह जी के लिए एक टिफिन पैक किया था? जी। पर टिफिन तो हम उनके लिए पैक करते हैं जो बाहर जा रहे हों, am I right? जी, लेकिन मैं तो सिर्फ कुक हूँ, अब जैसा सर बोलेंगे मुझे तो वैसे ही करना पड़ेगा ना। क्या ये सही है मिस्टर रूडी? प्रिंस रूडी, मिस्टर रूडी सिंह, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप सो रहे हैं? योर ऑनर, उनकी तरफ से मैं माफी चाहता हूं। योर ऑनर, रूडी सिंह के तीनों स्टाफ मेंबर्स की गवाही से जाहिर है कि वो एक बहुत बड़ा सच छुपा रहे हैं, और वो सच ये है कि रूडी सिंह चल सकते हैं। योर ऑनर, प्रिंस रूडी के स्टाफ के एक अहम मेंबर की गवाही अभी बाकी है। मैं प्रिंस रूडी के पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर शुभांकर घोष को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत। डॉक्टर घोष, आप प्रिंस रूडी सिंह जी के पर्सनल फिजिशियन हैं, अदालत को बताइए कि क्या वो चल सकते हैं या नहीं? जी नहीं, रूडी सिंह जी बिल्कुल नहीं चल सकते। मैं पिछले 4 साल से उनका डॉक्टर हूं, और योर ऑनर, ओबेसिटी को ट्रीट करना मेरी खासियत है, और मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका वजन 300 से भी ऊपर है। क्या वो चल सकते हैं? जी, मगर रोडी सिंह जी नहीं चल सकते।
योर ऑनर, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के स्टेटमेंट को झुटलाने वाले हम कौन होते हैं? और डॉक्टर घोष ने अभी अभी कहा कि प्रिंस रूडी जैसे कई भारी भरकम ओवरवेट पेशेंट्स इनके पास हैं। जाहिर सी बात है योर ऑनर कि दुनिया में ऐसे और भी लोग होंगे। वो कातिल रूडी सिंह ही था और ये है उसका सबूत। पंद्रह मार्च की रात कार्टर रोड पर सिटी क्लब के बाहर कुछ फैंस बुंदा सलमान खान के इंतजार में बैठे थे और जब मिस्टर खान बाहर आए तो उन्होंने उनके साथ कुछ तस्वीरें खींची। शर्मिला का घर उस क्लब के बिल्कुल सामने है और 1:15 पर ली गई ये तस्वीर काफी दिलचस्प है और ये है उसका जूम इन वर्जन, जहां बैकग्राउंड में रूडी सिंह ट्रैक पैंट्स पहने साफ नजर आ रहे। ये तो बिना किसी शक को शुबा के रूडी सिंह ही है। साइलेंस प्लीज, साइलेंस इन द कोर्ट। प्रिंस रूडी सिंह धनोरा, अब भी आप कहेंगे कि आप चल नहीं सकते? एक और झूठ बोला तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं चल सकता हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। पिछले 2 हफ्तों से मैं चल सकता हूँ। 7 दिन बाद शर्मिला की शादी होने वाली थी तो मैंने सोचा एक आखिरी बार उससे मिलकर अलविदा कह दूं, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए पहली बार घर से बाहर निकला, पर उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया तो मैं दरवाजे से ही वापस लौट आया। तो आपके डॉक्टर और आपका स्टाफ क्यों कह रहे हैं कि आप चल नहीं सकते? क्योंकि मैंने ही उनको धमकी दी थी कि किसी ने सच कहा तो उनको मैं नौकरी से निकाल दूंगा। प्रिंस रूडी, ये क्या किया आपने? क्यों किया? मैं डर गया था केडी। मुझे जब पता चला कि शर्मिला का खून हो गया तो मुझे लगा कि सबसे पहले उंगली मुझ पर ही उठेगी, इसलिए मैंने अपने स्टाफ से झूठ बुलवाया और खुद भी झूठ बोला। पर केडी, शर्मिला को मैंने नहीं मारा, मैं तो आज भी उससे प्यार करता हूँ। योर ऑनर, इस केस की शुरुआत में डिफेंस काउंसिल ने मुझसे कहा था कि अगर मैं ये साबित कर दूं कि रूडी सिंह चल सकते हैं तो उनके पास कोई केस ही नहीं बचता। अब अदालत क्या कहे? इस केस का फैसला कल सुबह ठीक 11 बजे और मिस्टर रूडी सिंह, आपको यह अदालत फौरन हिरासत में लेते हुए कल इसी कोर्ट में पेश होने का हुक्म देती है। लगता है वो दिन आ गया कि तुम्हारी पहली हार का दिन। केडी पाठक विल फाइनली लूज अ केस। आप जानते हैं आज तक मैं कोई केस क्यों नहीं हारा? क्योंकि आज तक केडी ने कभी झूठ नहीं बोला। मेरी ताकत मेरी सच्चाई है और आज आपके कारण मैं अदालत में झूठा साबित हुआ। केडी, मैंने तुम्हें सिर्फ आधा झूठा साबित किया है, बाकी तुम्हारा आधा कहा हुआ सच है। ये खून मैंने नहीं किया। और ये भी अदालत में झूठा साबित हो गया तो बैट पर आपकी उंगलियों के निशान, मौका वारदात पर आपके जूतों के निशान, कत्ल के समय शर्मिला के घर के बाहर आपकी तस्वीर, और बचा क्या है? अगर तुम्हें मेरी बातों में भरोसा नहीं है ना तो तुम मेरा केस छोड़कर जा सकते हो, मैं दूसरा लॉयर रख लूंगा। ओह शट अप प्रिंस रूडी। दो बातें। पहली बात, आपका गुनाह इस हद तक साबित हो चुका है कि कोई लॉयर आपके केस को हाथ नहीं लगाएगा। दूसरी बात, केडी ने आज तक लिया हुआ केस कभी अधूरा नहीं छोड़ा। अब हार हो या जीत, हार हो या जीत, अदालत में सच साबित होके रहेगा, साबित होके रहेगा।
क्या है केडी? किसी जानवर के बाल, ब्लैक कलर। कुत्ता था क्या शर्मिला के पास? नहीं तो फिर ये बाल किसके हैं? केडी ये मत कहना कि किसी आदम को जानो ने उसकी जान ली है। ये मैं नहीं तुम कह रहे। आओ किचन में चलते हैं। दवे ये वही चूल्हा है जिस पर शर्मिला उस रात खाना बना रही थी। हाँ हमने अकेले बंद किया वरना आग लग जाती। राइट लेकिन रात के 1:30 बजे शर्मिला खाना क्यों बना रही थी? फ्रिज में तो खाना भरा पड़ा है। मुझे लगता है कि शर्मिला खाना नहीं बना रही थी। तो फिर ये गैस कातिल ने ऑन किया है। ओ ताकि फायर अलार्म बजे और उसके पकड़े जाने का रिस्क हो। 50% राइट 50% रॉन्ग। ताकि फायर अलार्म बजे और कोई उसे देखे। फायर अलार्म लेट्स गो। दवे ये वही फायर अलार्म है ना जिसे ऑफ करते वक्त मिस्टर पटेल ने उस खिड़की में से कातिल को देखा था। हाँ लेकिन पटेल ऊपर तक पहुंचा कैसे? आई थिंक इस टेबल के जरिए। हेल्प मी प्लीज। क्या लगता है तुम्हें 6 फीट 4? मिसेस बेलिमोरिया हाय। कल सुबह तक मुझे शर्मिला राठौड़ और इस केस से जुड़े हर विटनेस पे सारी डिटेल्स चाहिए। थैंक यू सो स्वीट ऑफ यू। दवे केस क्लोज करने का समय आ गया। शर्मिला राठौड़ के घर का वही टेबल है जिस पर उस रात खूनी ने खड़े होकर फायर अलार्म बंद किया था। मेरी बात से इंस्पेक्टर दवे भी सहमत होंगे। यस। प्रिंस रूडी आपका मौजूदा वजन करंट वेट कितना है? 345 किलो। 345 345 kgs योर ऑनर। दवे तुम्हारा 80 किलोज। हवलदार साहब आपका 75 किलो। 75 kgs और 80 kgs टोटल 155 kgs योर ऑनर। दवे सर आप यहाँ। हवलदार साहब आप भी आइए। मैं चाहता हूं कि आप दोनों इस मेज पर खड़े हो जाएं। जरा संभल के। हाँ उठो दो लगी तो नहीं। थैंक यू योर ऑनर। यही था मेरा सवाल। ये टेबल जो 155 किलो उठाते हुए टूट गई इसका 350 किलो उठाना नामुमकिन है। ये तभी के तभी ही टूट जाती। तो फिर ये टूटी कैसे? नहीं क्योंकि योर ऑनर कत्ल की रात पर जो आदमी इस टेबल पर खड़ा हुआ था वो मोटा जरूर था लेकिन भारी नहीं। क्या मतलब इसका? इसका मतलब प्रिंस रूडी की कुक कम हाउसकीपर मिस कार्लिक बताएंगे। मिस कार्लिक हाउ आर यू? आपका एक छोटा भाई है जो फैंटेसी अम्यूजमेंट पार्क में काम करता है क्या ये सही है? जी मंगेश। मंगेश मंगेश राइट राइट राइट। तो क्या क्या करता है मंगेश वहाँ? जी जी वो वहाँ पे
भालू है। Quiet, please. भालू है मंगेश, भालू है। आई मीन वो वहाँ का मैस्कॉट है, टॉमी टेडी। टॉमी टेडी, हाउ स्वीट। योर ऑनर, खुशकिस्मती से टॉमी टेडी हमारे साथ आज अदालत में है। आइए टॉमी टेडी। इस पोशाक के कुछ रेशे मुझे शर्मिला जी के घर से बरामद हुए। इसका मतलब टॉमी टेडी वहीं थे उस रात। टॉमी टेडी जी, आपकी जरा मैं मुंडी उतार लूं। मंगेश, तुम? आइए टॉमी टेडी साहब, मैं चाहता हूं कि आप इस टेबल पे खड़े हो जाएं। अगर मैं इसके सामने पर्दा लगा दूं, तो 40 फुट की दूरी से किसी को भी ये गलतफहमी होगी कि पर्दे के पीछे कोई बहुत मोटा आदमी खड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह जिस तरह मिस्टर पटेल को हुई थी। मिस्टर पटेल, am I right? और am I right? Thank you, Mr. Tommy Teddy. आइए। लीजिए आपका। Thank you very much. अब बताइए मिस कार्निक कि आपने अपने भाई के टॉमी टेडी का कॉस्ट्यूम पहनकर शर्मिला का कत्ल क्यों किया? एक मिनट। माना कि मिस्टर पटेल को धोखा हुआ था, लेकिन शर्मिला राठौर ने तो ये साफ कहा था कि कातिल एक मोटा आदमी है। योर ऑनर, फोन पर वो आवाज शर्मिला जी की थी ही नहीं। ऑर्डर, ऑर्डर। सबसे पहले मिस कार्निक ने शर्मिला जी का कत्ल किया, उसके बाद उनके घर को तहस नहस किया, उसके बाद पुलिस को फोन किया। वो आवाज मिस कार्निक की थी या नहीं, बोलिए। नहीं नहीं योर ऑनर, मैंने कुछ नहीं किया, वो मैं नहीं थी, वो मिस्टर मानिकशॉ थे। ये उनका ही काम है, क्योंकि कत्ल से पहले उन्होंने वो सूट बोरो किया था टॉमी टेडी का। पूछिए, उनसे पूछिए। योर ऑनर, मैं मिस्टर मानिकशॉ को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? जी हाँ, वो सूट मैंने ही बोरो किया था अपने बेटे परसी की बर्थडे पार्टी में पहनने के लिए, बच्चों को एंटरटेन करने के लिए। लेकिन उसके बाद उस सूट को मैंने कुंवर साहब के घर के स्टोर रूम में जाके रख दिया था मिस कार्निक को देने के लिए। राइट। और कत्ल से एक दिन पहले वो सूट स्टोर रूम से गायब हो गया। जी हाँ, लेकिन मैंने उसे गायब नहीं किया। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। मैं तो ये सोच रहा हूं कि वो कौन हो सकता है जो सूट स्टोर रूम से लेकर गया था, क्योंकि घर में दो लोग ही थे और जो स्टोर रूम में जा सकते थे, डॉक्टर घोष और नर्स बसंती बजाज। योर ऑनर, मैं डॉक्टर घोष को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत। देखिए मिस्टर केडी, मैं एक इज्जतदार डॉक्टर, आप इस तरह के बेहुदा और बेतुके इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकते। सॉरी डॉक्टर घोष, इल्जाम नहीं लगा रहा, सिर्फ पूछताछ कर रहा हूं। ये बताइए कि कत्ल की रात आप
कहाँ थे? मैं पुलिस को पहले से ही कह चुका हूँ कि मैं उस रात अपनी क्लिनिक में था। इतनी रात गए क्लिनिक में क्या कर रहे थे आप? नर्स बसंती बजाज का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तैयार कर रहा था। जी हाँ, वो दुबई के किसी हॉस्पिटल में जॉब ले रही है। ये सर्टिफिकेट उसी के लिए है। अगर आप चाहें तो उसकी कॉपी देख सकते हैं एविडेंस फाइल। हाँ, वो कॉपी मैंने देखी है। और इसमें लिखा है कि आप बैठिए डॉक्टर घोष। योर ऑनर, मैं नर्स बजाज को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? आप दुबई जा रही? जी हाँ, दरअसल मैं रूडी साहब की बदतमीजियों से तंग आ चुकी हूं। और वहां मेरी सिस्टर भी रहती है दुबई में। वो आपका पहला नाम फर्स्ट नेम क्या बताया? बीफ पर बसंती। हाँ, बसंती, बसंती, राइट। जी सिली ऑफ मी, भूल गया मैं। कोई बात नहीं। अरे कोई बात कैसे नहीं, बात तो है। अब देखिए ना, आपके फिटनेस सर्टिफिकेट में आपका बर्थ डेट यानी कि जन्म तारीख 16 सितंबर 1974। क्या यह सही है? जी बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा है। तो क्या ये कहना ठीक रहेगा नर्स बजाज की पहले वो फिल्म आई होगी, आपकी माताजी ने वो फिल्म देखी होगी, उस फिल्म से प्रभावित हुई होगी, फिर आपका नाम रखा गया होगा बसंती? इज दैट करेक्ट? जी ऐसा ही कुछ कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तो एक बात बताइए, क्या आपकी माताजी उस फिल्म की शूटिंग पर गई थी या? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, बेबुनियाद सवाल। ये तुम क्या अनाप शनाप पूछ रहे हो? योर ऑनर, नर्स बजाज का जन्म 16 सितंबर 1974 में हुआ। अगर इनके जन्म के एक साल बाद फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म के किरदार का नाम इनकी माताजी इनको कैसे दे सकती है? ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, अगस्त 2010 में मरहूम शर्मिला राठौड़ ने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई थी अपने कुक कम हाउसकीपर के खिलाफ। नूरी झा, इल्जाम 20 लाख रुपए के ज्वेलरी की चोरी। तब से नूरी झा फरार है, लापता है, फेक आइडेंटिटी के साथ जी रही है। लेकिन आज नूरी झा अदालत में मौजूद है। अदालत में मौजूद नर्स बसंती बजाज के कोई शंका नहीं कि आपका नाम बसंती बजाज नहीं नूरी झा है और आप ही ने कत्ल किया है शर्मिला राठौड़ का। बोलिए, आपने कत्ल किया है या नहीं? जी हां, जी हां, मैं ही नूरी झा हूं, मैं ही। ऑर्डर, ऑर्डर। जसाब, मैं रूडी साहब की नर्स बनके उसके साथ अपना नया जीवन शुरू कर रही थी। अचानक मुझे पता चलता है कि रूडी साहब और शर्मिला मैडम का पुराना रिश्ता है। और मुझे ये भी डर था कि कहीं शर्मिला मैडम मेरी असलियत ना बता दे। मैंने शर्मिला मैडम की शादी के एक हफ्ता पहले उन्हें मारने का प्लान किया। मैंने रूडी साहब की उंगलियों के निशान एक एक्सरसाइज बैंड पे लिए। फिर हूबहू रूडी साहब जैसे जूते खरीदे। उसके बाद स्टोर रूम में जाकर टेडी बेयर का कॉस्ट्यूम चोरी किया। और फिर
शर्मिला जी के घर जाकर उनका कत्ल कर दिया मैंने। शर्मिला जी का कत्ल करने के बाद आपने जाकर गैस जलाया ताकि धुएं से फायर अलार्म बजे। आप टेबल पर चढ़ी, फायर अलार्म बंद किया ताकि लोगों को ये वहम हो कि कत्ल किसी बहुत ही मोटे आदमी ने किया है, मेरे मुवक्किल रूडी सिंह ने, जबकि कत्ल आपने किया था। जी हाँ, ये कत्ल मैंने ही किया। Order, order. The defense rests, Your Honor. नूरी झा उर्फ बसंती बजाज के इकबाल जुर्म के बाद यह अदालत इन्हें हिरासत में लेने का हुक्म देती है और श्री रूडी सिंह धनौरा को शर्मिला राठौर के कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज्ड। प्रोसिक्यूटर साहब, सो क्लोज येट सो फार, लेकिन कहना पड़ेगा इस बार थोड़ा डरा दिया था आपने मुझे। अभी तो सिर्फ डराया है केडी, हराया नहीं। वो दिन भी जल्द आएगा। कंग्रेचुलेशन प्रिंस रूडी। प्रिंस नहीं, ओनली रूडी। हाउ स्वीट। केडी और रूडी, क्या टीम है, आखिर हम जंग जीत गए। रूडी, ये जंग तो हम जीत गए, लेकिन अभी तुम्हारी एक जंग बाकी है तुम्हारे इस मोटापे के साथ। 10 साल पहले जब तुम्हें प्यार हुआ था, एक नई जिंदगी के लिए तुमने वजन घटाया था ना, आज भी तुम्हें नई जिंदगी मिले तो क्यों ना एक बार फिर से मुझसे। ऑल द बेस्ट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.